तो आज हम बात करने वाले हैं प्री आउट के बारे में, जिसके ज़रिए हम लाइव और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आहूजा के BTS 660 का है, ये जो मॉडल है इसमें दिया गया है प्री आउट। पीछे साइड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे यहाँ प्री आउट दिया गया है। यहाँ हम अभी जैक पिन लगाएंगे और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, जो कि 3.5 mm वाला जैक है। अब हमने इसको ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, जो भी हम मोबाइल में गाना चलाएंगे वो इसमें प्ले होगा। जैसे ही मैं लैपटॉप से लीड कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये पूछता है मुझसे कि ये क्या डाल रहा है। अब तो मेरे को माइक इन सेलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, तो इसका यहाँ पे डिटेल देता है और यहाँ पे हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग में क्लिक करना है। बस इसके बाद अपने को OBS खोलना है, ऑडियो इनपुट की जो सेटिंग होगी उसमें जाके ये देखिए यहाँ पर बना है क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको माइक्रोफोन में सेलेक्ट करना है, जो कि मेरा पहले से था उसमें सेलेक्ट करना है। बस सिर्फ माइक्रोफोन लिखा होगा, फिर ओके कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप स्ट्रीम में क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग होगा। इसकी थोड़ी सेटिंग अलग होती है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही इसमें से। तो मैंने इसको अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, प्री आउट से निकाल के माइक इन में डाल दिया, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर रहा होगा। माइक इन में डालने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, आपको वॉल्यूम एकदम कम करना पड़ेगा BTS 660 से, तभी आपको यहाँ एकदम परफेक्ट आवाज़ मिलेगा। हेलो। और जो भी आप गाना प्ले करेंगे उसका भी आवाज़ एकदम कम रखेंगे मोबाइल से, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। और इसमें करेंगे तो जरूर ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए, तभी आपको वॉल्यूम कम करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो मास्टर वॉल्यूम है जो वो उतना कम नहीं कर पाएगा, और वो कम करेगा तो दोनों को ही कम कर देगा, माइक और क्या नाम है गाने दोनों को। तो इसलिए आप अगर ब्लूटूथ से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस बढ़िया, और हेलो। तो ऐसे करके आप यूट्यूब में लाइव भी कर सकते हैं। हेलो। तो जैसे अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आवाज़ वहाँ आगे जाएगा, लाइव करेंगे आपको। हेलो। तो आपने देख लिया कि ये कैसा काम करता है, और अगर आपने कुछ गलती की या फिर आवाज़ ऊपर नीचे कर दिया तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेरा सजेशन बस इतना ही है कि आप वॉल्यूम को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, कम में रखिए, तो आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों ही कर पाएंगे इसके ज़रिए, और आपको कुछ अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक लीड लगेगी जैक 2 3.5 mm वाली बस, और उसके ज़रिए आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे और कैरियोके भी गा पाएंगे अगर लाइव गाना चाहते हैं तो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।